वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉकी स्टॉक विद गौतम में। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी के बारे में। मूवी का नाम है नाइट बुक्स और 1.25 घंटे के आसपास का समय आपको इस मूवी को देखने के लिए देना पड़ता है। हिंदी में ये मूवी आप लोग देख सकते हैं, हिंदी डबिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है, स्टोरी इस मूवी की काफ़ी बढ़िया है, एक्टिंग काफ़ी बढ़िया है। जिस तरह का आपके सामने प्रेजेंटेशन आया है वो आपको देख करके काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ये मूवी क्यों देखी जानी चाहिए और क्यों नहीं देखी जानी चाहिए उस सब के बारे में बात करेंगे वीडियो में आगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भैया जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। अब बात कर लेते हैं भैया नाइट बुक्स की कहानी के बारे में। कहानी है एलेक्स नाम के एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसको कि डरावनी कहानियाँ लिखना पसंद है। उसे एक दिन उसके न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट से एक चुड़ैल जिसका नाम नताशा है वो उसे किडनैप कर लेती है। किडनैप कर लेती है से मेरा मतलब ये है कि वो चुड़ैल एलेक्स को अपने अपार्टमेंट से खुद के एक बिल्डिंग में ले जाती है जो कि अपने आप में बहुत ही गुप्त बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग से बाहर जाया नहीं जा सकता और उस डायन का मकान पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा है और ऐसे ही बच्चों को वो किडनैप करती है। ये कुछ आपको मूवी में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलती है उस चुड़ैल की बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की यास्मिन जो कि उस चुड़ैल की सेवा वगैरह किया करती है, उसके मकान की देखभाल किया करती है, गार्डनिंग वगैरह किया करती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलती है लेनोर नाम की बिल्ली जो कि डायन की जासूस है, वो मकान में रहने वाले इन दोनों बच्चों पर नजर रखती है। उस बिल्ली में गायब होने की शक्तियां हैं, शानदार वो बिल्ली आपको लगने वाली है। बिल्ली काफ़ी जगह ऐसे गूजबम्स देती है जिनको कि देखकर काफ़ी मज़ा आता है, थोड़ा बहुत डर भी महसूस होता है। बात कर लेते हैं कि यार ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। इन लोगों को डिज्नी टाइप की मूवीज़ देखना पसंद है जहां बहुत ज़्यादा डरावनी चुड़ैल नहीं दिखाई गई हो, बच्चों की कहानियां हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया हो, तो उस तरह की ये मूवी है। आप लोग अगर डिज्नी की पुरानी मूवीज़ को काफ़ी पसंद करते आए हैं तो इस मूवी को आप डेफिनेटली पसंद करेंगे। पहले ही बता दूँ ये मूवी डिज्नी ने नहीं बनाई है। मूवी की कहानी बढ़िया है, प्रेजेंटेशन बढ़िया है, थोड़ी बहुत रिफ्रेशिंग भी लगती है। अब बात कर लेते हैं कि ये मूवी क्यों नहीं देखनी चाहिए। तो जिन लोगों को खासकर हॉरर मूवीज देखने का शौक है वो इसे हॉरर मूवी की तरह ना देखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें एक दो जगह गूजबम्स के अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। जो डायन आपके सामने दिखाई गई है वो भी इतनी ज्यादा डरावनी नहीं है। मूवी में एक आध जगह ही आपको थोड़ा बहुत देर के लिए डर लग सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर आप इसको हॉरर की वजह से देखना चाहते हैं तो इसको आप स्किप कर दीजिए, इसकी बजाय और दूसरी हॉरर मूवीज को जाकर के देखिए तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। बात की जाए अगर रेटिंग की तो इस मूवी को देना चाहता हूं मैं 5 में से 3 अंक। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आपको ये मूवी कैसी लगी। लेकिन हाँ, वन टाइम वॉच जरूर है, किसी के साथ भी बैठ करके आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, मुझे ठीक ठाक लगी है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें। जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। इसी तरह के वीडियो लेकर के आता ही रहता हूँ, तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।